नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। बात करते हैं आस्था की डुबकी की। आज कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में अयोध्या से लेकर काशी और प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के महाफैसले के बाद पहला महास्नान चल रहा है, जहां हजारों की संख्या में राम भक्त सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार उदयातिथि पर ही स्नान पर्व का आयोजन होता है, इसलिए रामनगरी अयोध्या और गुप्तार घाट स्थित सरयू नदी घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। स्नान पूजन के बाद भक्त प्रभु राम की आराधना कर रहे हैं। राम भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। सरयू तट पर जनसैलाब आप देख सकते हैं, सुबह से ही जनसैलाब उमड़ा पड़ा है सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा का यह महापर्व है और देव दीपावली का त्यौहार भी इसे कहा जाता है। ऐसे में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहा जाता है जो भी पवित्र नदियों में आज के दिन डुबकी लगाता है, स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। और अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में एक महाफैसला आया है, उसके बाद का ये कार्तिक पूर्णिमा का पर्व, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और भगवान राम की आराधना कर रहे हैं। सरयू में राम भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस महाफैसले के बाद ये पहला महास्नान है जहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं। हम इसमें सरयू घाट पे खड़े हैं और जो है जिस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान है और देख सकते हैं आप किस तरह से घाट पर जो है लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है, जो सुबह से भोर से यहाँ पर सरयू आपके अयोध्या के सरयू घाट पर लोग एकत्रित हैं और दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और सरयू आरती सरयू जो है मैं सरयू में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की और जो है सूर्य भगवान के सामने आराध करके जो है अपना कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का महत्व तो इसलिए है क्योंकि आज जो है जिस तरह से सरयू कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान में जो है ये महत्व है कि सरयू में जो है नहाने के बाद जो है पूजा करने के बाद और जो है भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है इसका महत्व है कि जो मनोकामना होती है वो पूर्ण की जाती होती है। और यहाँ पर सुबह से अयोध्या में आज जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर अयोध्या पहुँचे हैं और अपना जो है सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं कि भगवान आज हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस दृश्य को देख करके ये लगता है कि आज आस्था का सैलाब अयोध्या में टूट पड़ा है और आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग जो आए हैं श्रद्धालु वो लगा रहे हैं। रूपेश श्रीवास्तव, लाइव टुडे, अयोध्या।